हरे कृष्णा। मैं राधा मोहिनी मोहनदास, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर में। हम इस श्रृंखला को जारी रख रहे हैं, सरल भगवत गीता। पिछले भागों में हमने जाना भगवत गीता के मुख्य विषय वस्तु क्या है, जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म। उसके बाद हमने समझा जीव क्या है। जीव तीन चीज़ों से बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने चर्चा की थी मन, जो कि सूक्ष्म शरीर का एक भाग है। मन क्या कार्य करता है, मन विलिंग करता है, थिंकिंग करता है, फीलिंग करता है, इच्छाएं करता है, उसके ऊपर विचार करता है और अनुभूति करता है, यह मन का कार्य है। आज हम चर्चा करेंगे बुद्धि के कार्य के बारे में। मन जो है सूक्ष्म शरीर में सबसे स्थूल होता है, मन से भी सूक्ष्म होती है बुद्धि, और बुद्धि का कार्य होता है, तीन कार्य बुद्धि के होते हैं। बुद्धि का पहला कार्य होता है फर्क करना, डिफरेंशिएट करना, यह सफ़ेद है, यह काला है, यह ऊपर है, यह नीचे है, यह पतला है, यह मोटा है, यह छोटा है, यह बड़ा है, यह भारतीय है, यह विदेशी है, यह सब फर्क करना बुद्धि का कार्य होता है। तो बुद्धि का पहला कार्य होता है फर्क करना, अर्थात डिफरेंशिएट करना। बुद्धि का दूसरा कार्य होता है डिफरेंशिएट करने के बाद में निर्णय लेना, डिसीजन लेना। तो बुद्धि का पहला कार्य फर्क करना, और फर्क करने के पश्चात बुद्धि निर्णय लेती है मुझे कौन सी चीज़ चाहिए, मुझे कौन सा कर्म करना है, मुझे क्या बोलना है। तो ये बुद्धि का दूसरा काम है, डिसीज़न लेना, निर्णय लेना। और हम जब उस निर्णय पर कर्म करते रहते हैं तो कई बार हमें अच्छी अनुभूति मिलती है और कई बार नहीं होती है। जब हमें गलत अनुभूति होती है, दुखदायी अनुभूति होती है और हम उसे नहीं करना चाहते, उस समय बुद्धि का तीसरा कार्य होता है जिसे कहते हैं दृढ़ता, दृढ़ रहना, अर्थात डिटर्मिनेशन। तो बुद्धि के तीन कार्य होते हैं, पहला डिफरेंशिएट करना, दूसरा डिसीज़न लेना और तीसरा उस डिसीज़न पर अडिग रहना, डटे रहना, दृढ़ रहना, डिटर्मिनेशन से कार्य करते रहना, भले ही मन की अनुभूति अच्छी ना हो। यह बुद्धि है। बुद्धि जो है वह मन के ऊपर है। कई बार हम इसका फर्क नहीं कर पाते, जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती, जो हमें अच्छी अनुभूति नहीं देती, हम उन कार्यों को नहीं करना चाहते। ऐसा सोचते हैं कि ये काम करने से हमें सुख का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो मन द्वारा निर्णय नहीं लेते, क्योंकि निर्णय लेने का कार्य बुद्धि का है और बुद्धि जो है वह मन से उच्च स्तर पर ऊपर है। जो व्यक्ति मन से निर्णय लेते हैं उन्हें ही हम मनमौजी कहते हैं। मनमौजी अर्थात अपने मन की मर्जी चलाने वाला, और अपने मन की मर्जी से लिए हुए निर्णय से हमें कई बार गलत रास्ते पर चलना पड़ता है, गलत कर्म करने पड़ते हैं। आप सबने ऐसा अनुभव किया होगा, ना चाहते हुए भी हम सवेरे जल्दी नहीं उठ पाते,
सोते रहते हैं, ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ टीवी, सिनेमा, इंटरनेट देखते रहते हैं, ना चाहते हुए भी हम किसी के साथ बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, गॉसिप होते रहता है। हमें यह पता होता है कि यह करना गलत है, परंतु उस कार्य को करने में हमें अच्छी अनुभूति मिलती है, इसी वजह से हम उस कार्य से अपने आप को नहीं रोक पाते। अर्थात हम अपने मन की बातों को मानते रहते हैं और बुद्धि से निर्णय नहीं लेते। ऐसे समय पर हमें इन तीनों की स्थिति को समझना होगा। मन का कार्य है, जहाँ पर अच्छी अनुभूति मिल रही है वहाँ पर लगा रहे, शरीर का सुख प्राप्त हो उसमें लगा रहे, इंद्रिय तृप्ति के साधन मिलते रहें उसमें लगा रहे, यह मन का कार्य है। परंतु बुद्धि इसके ऊपर स्थित है, हमें निर्णय सदैव बुद्धि से लेना चाहिए, मन से नहीं लेना चाहिए। तो निर्णय का कार्य बुद्धि का है, क्या करना है क्या नहीं करना है यह निर्णय बुद्धि से लेना है। हरे कृष्णा।